वेलकम भाई कैलेश टीवी इंडिया की एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी भी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे प्री मानसून की बारिश, पूर्वी यूपी के 26 से ज्यादा जिलों में भयंकर अलर्ट, धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और किन किन जिलों में मौसम विभाग ने प्री मानसून बारिश और धूल भरी आंधी चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। इस समय दिन के समय तेज धूप निकल रही है, इस कारण लोगों को दोपहर के समय गर्मी का एहसास हो रहा है और दोपहर के समय घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को चुभती जलती गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं लखनऊ से नोएडा गाजियाबाद तक बढ़ते तापमान ने मुश्किल बढ़ा दी है। लोग सूरज ढलने का इंतजार करने लगे हैं। वहीं रात को भी अब गर्मी धीरे धीरे शुरू हो गई है। इसके पीछे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होना माना जा रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग की माने तो जैसे जैसे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का पारा बढ़ता है वैसे वैसे प्रदेश में गर्मी का सिलसिला बढ़ता जाता है। अभी आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मौसम विभाग आशंका जता रहा है कि हल्की कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश से एक बार फिर गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन में हीट वेव चली। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी देखने को मिली। वहीं नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है, जो मध्य और उत्तरी क्षोभ मंडल पछुआ हवाओं में लगभग लंबे समय तक एक ट्रफरेखा के रेख में बना हुआ है। इसकी वजह से कई जगह मौसम पर असर पड़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों तक लगातार हल्की के मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बरसात होने को लेकर भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 6 दिनों तक तेज बारिश और आंधी तूफान, बिजली कड़कने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार में भी अगले 48 घंटे लगातार और झारखंड में भी बीच बीच में आंधी तूफान आने को लेकर भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहाँ पर भी आसमान में बदली बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। बात करें अगर कानपुर नगर की तो यहाँ न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यहाँ 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। यहाँ पर आसमान साफ रहेगा। गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यहाँ 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गोरखपुर में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। बात करें अगर आगरा की तो आगरा में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यहाँ 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आईएलएस टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें।